जी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा तरक्की ब्रांड कर सके बहुत अच्छी बात है, और जितने ज़्यादा फ्रेंचाइज बने वो भी उससे अच्छी बात है। और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने इतने सारे इनके फ्रेंचाइजेस को मैंने इनॉग्रेट किया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, और बस मैं यही शुभकामनाएं देने आया हूँ, और यही मैं आशा करता हूँ कि ये ब्रांड बहुत आगे चले, बहुत और भी फ्रेंचाइजेस खुले और बहुत ही तरक्की करे। बस यही कि और बड़े जैसे जज्बे के साथ उन्होंने इतना सब कुछ खड़ा किया, इतना सारा मेहनत के साथ उन्होंने ब्रांड खड़ा किया, बस ऐसे ही काम करते रहे, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। कि हमेशा अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ, पता नहीं एक रिश्ता सा बन गया है ओडिशा के साथ, उनके लोगों के साथ। जब भी यहाँ पर आता हूँ अच्छा ही महसूस होता है, यहाँ के लोग, उनकी मुस्कराहट, उनका प्यार, उनकी इज्जत हमेशा मैं पाता हूँ, तो अच्छा लगता है। मतलब मैं शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर सका, लेकिन एक अच्छा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जैसा फीलिंग बोलते हैं ना, मतलब वैसा ही प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग होती है। ये मैं मुझे काफ़ी बार पूछा गया, लेकिन मैंने ज़्यादा ओडिशा का फूड खाया नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर हूँ, तो मैं ज़्यादा वैसे भी कुछ खाता, घास फूस खाता हूँ मैं, मांस तो मैं खाता हूँ नहीं। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन डिशेज है जो काफ़ी मशहूर है, लेकिन अफसोस कि मैं कभी वो ट्राई नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरा जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होता है मैं उसी के हिसाब से मैं अपना खाना खाता हूँ। मैं यहाँ पर सालोन खोलने आया हूँ, डायलॉग बोलने नहीं आया हूँ। पर्सनली मुझे एशियन खाना बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरह से मैं खाता हूँ, मैं मतलब जो भी दाल रोटी सब्जी टाइप की खाता हूँ, मैं बहुत इलेबोरेट, मैं एक्सक्लूसिव खाना नहीं खाता हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ जैसे आप लोग खाते हैं, सिर्फ थोड़ा कम खाता हूँ और ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान देता हूँ, और मैं ज़्यादा सब्जियाँ खाता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, और मांस तो लेता ही नहीं हूँ मैं। आप मुझे बात बताओ, मैं बोलूँगा जय जगन्नाथ। हो वो तो है ओडिशावासी केमती अच्छा ओडिशावासी केमती अच्छा।